नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। आज बात हम लोग करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसके बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनज़र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसे महामारी के रूप में घोषित किया है। पूरी दुनिया की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए और इसी के संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से भी अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। भारत में भी कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं कोरोना वायरस को लेकर, और ना सिर्फ भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं बल्कि राज्य सरकार की तरफ से भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। इसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार किस प्रकार से कदम उठा रही है। हालांकि हमको पता है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से एक भी पॉजिटिव केसेस कोरोना वायरस से रिलेटेड ना मिली हैं। हालांकि एक दो अफवाहें ज़रूर निकली हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पाई गई है, पर अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आप और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारा ये काम बनता है कि हम खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। अगर बाई चांस कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित या फिर उसके लक्षण दिखें तो आप सरकार के इस कदम के साथ में चलकर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज बात हम लोग इसी पे करेंगे कि प्रदेश सरकार जो है यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है। लेकिन उससे पहले हम लोग कोरोना वायरस पूरी दुनिया में किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल रहा है और भारत में आज के टाइम पर कोरोना वायरस की स्थिति किस प्रकार से है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस की बात हम लोग करेंगे तो कोरोना वायरस आप लोगों को पता है कि कहां से उत्पन्न हुआ और आज पूरी दुनिया में किस प्रकार से ये फैल चुका है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है। तो ये बातें आप लोगों को पता है कि चीन के वुहान शहर से यह कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ 2019 ही है। इसका नाम भी रखा गया है COVID-19, नोवेल कोरोना वायरस यानी कि आप इसे COVID-19 भी कह सकते हो। चीन से शुरू हुआ, चीन के वुहान शहर से आज पूरी दुनिया में इसका प्रकोप बढ़ चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में आज इसका प्रभाव किस प्रकार से बढ़ चुका है तो आप इस नंबर से अंदाज़ा लगा लो कि आज पूरी दुनिया के 122 देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो बढ़ चुका है। जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज के डेट पे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,26,000 पहुँच चुका है पूरी दुनिया में, ठीक है। और अगर हम लोग इस संक्रमित से ग्रसित लोगों की मौत के आंकड़ों की बात करें तो आज तक यानी कि 14 मार्च तक इस वक्त तक मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर अगर आप सबसे ज़्यादा कौन सा देश ग्रसित है कोरोना वायरस के संक्रमण से तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चीन का हुबेई प्रांत जो है कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, जहाँ 88,466 लोगों को कोरोना वायरस जो है वो संक्रमित कर चुका है। इसके बाद आ जाता है नंबर यूरोपियन कंट्री। यूरोप में भी कोरोना वायरस काफ़ी हद तक फैल चुका है। सिर्फ इटली में 366 लोगों की मौतें जो हैं वो कोरोना वायरस से हो चुका है। यहाँ पर आज के डेट पर ही USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। USA की तरफ से भी कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो ये सब बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे एक महामारी के रूप में घोषित कर चुका है। भारत में भी महामारी एक्ट 1897 के तहत कुछ राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भारत के आंकड़े भी देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। तो आज यानी कि 14 मार्च के सुबह तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 83 पुष्टि हो चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। भारत में 13 राज्यों में कोरोना वायरस फैला हुआ है वर्तमान समय में, जिसमें अगर हम लोग सबसे ज़्यादा आंकड़ों की बात करें तो ये आता है आपका केरल में, जहां पर 17 जो है पॉजिटिव केसेस मिले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 11 आपके महाराष्ट्र में, 10 आपके यूपी में और 6 जो है आपके दिल्ली में केसेस मिले हैं। महाराष्ट्र में 7 केसेस तो सिर्फ और सिर्फ पुणे में मिला है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भारत के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया
कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को जो है एक महामारी के रूप में घोषित किया है। भारत में भी एक अधिनियम है कि जब भारत के किसी क्षेत्र में या राज्य के किसी क्षेत्र में कुछ ऐसी बीमारी फैल जाए जो कि मौजूदा सरकार की जो कानून है उसे कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, तो इस एक्ट के तहत में भारत कुछ नया प्रयोग करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर यहाँ पर महामारी का आप लोग डेफिनेशन देखोगे तो ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि महामारी एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय में दुनिया के अलग अलग कोने में फैला हुआ हो और उसका जो विस्तार है वो तेज़ी से हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसको महामारी के रूप में घोषित किया जाता है। अब हम लोग जो बात करने वाले थे महामारी अधिनियम 1897 यानी कि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, इस एक्ट को केंद्र सरकार की तरफ से सजेशन दिया गया है कि कुछ राज्य अगर चाहें तो इस एक्ट को अपने क्षेत्र में लागू कर सकते हैं और इस एक्ट के सेक्शन 2 को लागू करने की बात कही गई है जिसमें से कुछ राज्य सरकारों की तरफ से लागू भी किया गया है। सबसे पहले ये कर्नाटका सरकार की तरफ से लागू किया गया, यूपी सरकार की तरफ से भी लागू किया गया, हरियाणा की सरकार की तरफ से भी लागू किया गया और इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भी इस एक्ट को लागू किया गया। इस एक्ट में क्या है, मैंने शुरू में ही बताया कि अगर कुछ राज्य को लगता है कि किसी उसके राज्य के किसी कोने में इस तरह से कोई बीमारी फैला हुआ है जिसको रोकने के लिए जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं वो सक्षम नहीं है, कुछ निर्देश या फिर कुछ प्रयोग करने के लिए सरकार जो है इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है। इस एक्ट का एग्जाम्पल एक बहुत बेहतरीन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 2009 में जब आया था स्वाइन फ्लू तो उस समय पुणे में भी इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह से इस एक्ट के तहत में सरकार कुछ निर्देश जारी करके कुछ प्रयोग करके जो है महामारी को रोकने का प्रयास करती है और जो सरकार की तरफ से निर्देश बनाया जाता है अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो इस एक्ट में सज़ा का भी प्रावधान है और वो सज़ा का प्रावधान आपका किया गया है IPC का सेक्शन 188 के तहत में। तो ये सब कुछ जो निर्देश है महामारी अधिनियम 1897 में, इसको भी आप लोगों को यहाँ पर जानना जरूरी है कि अगर सरकार अपने राज्य में महामारी घोषित करती है इस एक्ट के तहत में तो अगर सरकार का निर्देश का उल्लंघन होता है तो सरकार उसको वहाँ पर सजा भी प्रदान कर सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो सबसे पहले ये PDF आप लोग देखिए, PDF रिलीज़ किया है 12 तारीख को, किसके तरफ से रिलीज़ किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इस PDF को जारी किया गया है। क्या कहा गया है इस प्रेस रिलीज़ में, ये प्रेस रिलीज़ एक बात ध्यान रखिएगा 12/3/2020 का है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर पहले पॉइंट में कुछ आंकड़े बताता है कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो मैंने आपको शुरुआत में आंकड़े बताए 1,26,000 संक्रमित लोगों की संख्या पहुँच चुकी है, इसमें 1,18,000 दिया हुआ है क्योंकि ये आंकड़ा आपका 12 तारीख तक का है, 113 देशों में फैला हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन ये 122 देशों तक पहुँच चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक टोटल 47 व्यक्तियों का जो है वो लैब सैंपल लिया गया है। ये 47 ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी देश से घूमकर आए हों या फिर छत्तीसगढ़ में भ्रमण करने आए हों, ऐसे 47 व्यक्तियों का जो है वो सैंपल लिया गया है उन पर संदेह के अनुसार कि कहीं वो कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं है, जिसमें से 44 सैंपल का जो परिणाम रहा वो निगेटिव रहा यानी कि किसी प्रकार से ये कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, 3 व्यक्तियों का अभी तक सैंपल जारी नहीं हुआ है। तो इन सब बातों को आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत आंकड़ा ध्यान रख सकते हो। छत्तीसगढ़ में भी कई अफवाहें आई थी कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ लोगों की संख्या का पता चला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अफवाहों पर मत जाइएगा। आप लोग छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ जो आंकड़े प्रस्तुत होते हैं उस आंकड़ों को ही आधार आप लोग मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार और भी कई कदम उठा रही है जगह जगह पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक जाती है यानी कि पब्लिक गैदरिंग का जो जगह होता है, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, यहाँ पर होल्डिंग्स लगा रहे हैं कि किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है, किस प्रकार से कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं, इन सब बातों पर भी जो है वो प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है। इसके अलावा प्रदेश सरकार जो है जिला अस्पताल
या फिर मेडिकल कॉलेजेस में वहाँ पर हर ज़िले में सुविधा दी गई है, एक अलग से नोडल एजेंसी बनाया गया है, अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है कि अगर कोरोना वायरस के कहीं भी लक्षण दिखते हैं तो उसको तुरंत जो है निदान में लिया जाए, उसका समाधान निकाला जाए, उसका सैंपल टेस्ट किया जाए। रायपुर के जिला अस्पताल में 30 बेड का एक अलग से वार्ड भी बनाया गया है ताकि अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हों या फिर उनमें किसी प्रकार से कोरोना वायरस का कोई लक्षण दिखे तो उन्हें अलग से शिफ्ट किया जाए। तो राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखते हो, जो रायपुर के डॉक्टरों की टीम है दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भी भेजा गया है ताकि कोरोना वायरस अगर छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह से कोई अगर पॉजिटिव केसेज आने की संभावना भी बनती हो तो उसके लिए डॉक्टर की टीम जो है वो पहले से तैयार रहे। तो ये बातें हो गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया था, इसमें सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इन सब सारे बातों पर यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा एक स्लाइड और हम लोग देखते हैं और उस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप भी चाहें कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी प्रकार से जानकारी लेना चाहें तो आप इस हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हो खुद आप अपने स्तर पे। सबसे पहले अपने आप हाथ को बार बार धो सकते हो, कहीं भी अगर किसी से मिलकर आ रहे हो, कुछ चीज़ें बाहर का पकड़ रहे हो तो बार बार जितनी बार हो सके आप बाहर की चीज़ें देखो। अगर आपको बुखार खांसी लेने में कठिनाई हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे मैंने बताया अपने नज़दीकी जिला अस्पताल जा सकते हो या फिर किसी भी तरह से डॉक्टर से आप वहाँ पर सलाह ले सकते हो। छींकते खांसते समय अपने मुंह पर या फिर नाक पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। तो इन सब पब्लिक प्लेसेस में आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर देख लो, ये आपका भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0112397-8046। इस पर आप कॉल करके कोरोना वायरस के अगर लक्षण किसी प्रकार से है तो वहाँ पर आप सलाह ले सकते हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, यह एक इम्पॉर्टेंट निर्देश है कि जितना कम हो सके उतना कम ट्रैवल करें। स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं, चाहे शासकीय हों चाहे अशासकीय हों, 31 मार्च तक के लिए प्रदेश सरकार के एक निर्देश के अनुसार बंद कर दिए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद कर दिए गए हैं 31 मार्च तक के लिए, यहाँ तक कि जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उसे भी 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब तक अगर कुछ ज़रूरी ना हो ट्रैवल करने से बचें, घर में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और इन सब सारे जो इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं इन सबको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखें। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लें, जैसे यदि आपको बुखार का अनुभव हो तो किसी के साथ में ना जाएं, किसी के पास में ना जाएं, किसी के संपर्क में नहीं आएं, 3 से 4 मीटर की दूरी बनाए रहें। हमेशा जो बार बार होता है ना, मुँह छूने का आदत होता है, किसी से हाथ मिलाने का आदत होता है, तो ये सब आदत से अभी थोड़ा सा बचें। सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाए रहें, कम से कम पब्लिक गैदरिंग करने का कोशिश करें। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब यहाँ पर जो मेन बात, जो हेल्पलाइन नंबर है, एक तो आपका हेल्पलाइन नंबर पहले मैं बता चुका हूँ, एक छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है, यह है 0771-22-35091। और इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर ये है 9713-37-3165। इस नंबर पर भी आप कॉल करके यहाँ पर सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर कहने की बात यह है ना, पब्लिक गैदरिंग जितना कम हो सके करें, घर में जितना ज़्यादा रहने की कोशिश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। एक राज्य से दूसरे राज्य में तभी जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से फॉलो करें। लोगों तक जागरूकता फैलाएं, खुद जागरूक रहें और लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जागरूक हो, हर इंसान डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हो, हर इंसान डेली न्यूज़ से अपडेटेड रह रहा हो। तो ये आपका काम है कि आप उन तक जागरूक फैलाएं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी घोषित हो चुका है और ये तेज़ी से फैल रहा है और आप लोगों को भी पता है कि इसका भी किसी भी प्रकार से कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ों से आप सचेत रहें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके, उनको भी पता चल सके कि कोरोना वायरस का प्रकोप किस प्रकार से, इसके लक्षण किस प्रकार से होते हैं, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, अगर इसके थोड़े बहुत लक्षण दिखते भी हैं तो वो कौन से अस्पताल जाएं, कैसे करें। तो इन सब सारी बातों को उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को ध्यान रखें। और नॉर्मल भी खांसी हो, बुखार हो, फीवर हो तो इसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। तो खुद स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का यहाँ पर कोशिश करें, सब मिलकर एक दूसरे के साथ में चलते रहें तो कोरोना वायरस से हम लोग जल्द ही निपट लेंगे, ठीक है।
तो हो सके तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लोग जागरूक हो सके और सरकार की तरफ से जो जो कदम उठाया गया है उस बात को भी ध्यान रख सके। और एक अच्छी बात है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में एक भी पॉजिटिव केसेस जो हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं आए हैं। तो ध्यान रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, और आपको तो खासकर ध्यान रखना ही होगा। मैंने बार बार बोला है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है इसमें। जिस फ्लो में चल रहे हो, अगर ब्रेक हो जाता है तो वापस वो फ्लो पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखें, अपने परिवारों का भी ख्याल रखें, खुद का भी और अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।